मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रयागराज शहर क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु आज 3 वाटर मशीन का नगर निगम गेट के सामने मेयर अभिलाषा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मशीन शहर भर में घूम घूम कर सड़कों और पेड़ों में पानी का छिड़काव करने का काम करेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को दूर किया जा सके। मेयर अभिलाषा गुप्ता का कहना है कि प्रयागराज शहर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नगर निगम प्रयागराज द्वारा 3 वाटर मशीन का लोकार्पण किया गया है, जिससे क्षेत्र में पानी का छिड़काव कराकर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। अभी तक यह दिल्ली जैसे महानगरों में ही हो रहा था, लेकिन अब प्रयागराज शहर में भी इन मशीनों से वायु प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पेड़ों पर लगी धूल को हटाया जा सके और सड़कों पर जो धूल बैठी रहती है उसको भी निकाला जा सके, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित कर लोगों को सुनिश्चित कराया जा सके उनका स्वास्थ्य और पर्यावरण। किस तरह से पॉल्यूशन मुक्त करने का अभियान चल रहा है? तो पूरा देश परेशान है और यहाँ तक कि सभी जगह ऐसी हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोरोना काल में भी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी हाईटेक है। वाटर स्प्रिंकलिंग इसका नंबर है, नाम है, और उस नाम से ये मशीनें जानी जाती हैं। और अब तक मेट्रो सिटी में ही इसका इस्तेमाल शुरू किया गया, प्रदेश में कई जगह पर इस्तेमाल किया गया और अब हमारे प्रयागराज में भी इसका नगर निगम द्वारा इसका शुरुआत कर दिया गया है। इसका प्रदूषण से काफ़ी इससे राहत मिलेगी और इसके अंदर जो खासियत है कि चारों तरफ घूमकर भी करेगी ये, तो जिससे पेड़ों में जो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो वो पेड़ों में पहुंचकर जो सैनिटाइज करने का काम और धूलों को हटाने का काम इससे किया जाएगा, तो काफ़ी राहत देने का काम है और शहर को प्रदूषण मुक्त करने में इसका बड़ा सहयोग मिलेगा। कितने गाड़ियों का लोकार्पण? आज 3 गाड़ियों का लोकार्पण हुआ है और पूरे हमारे तीनों क्षेत्र जो हैं, कोशिश रहेगी तीनों विधानसभा के क्षेत्रों में और जो हमारा सीमा विस्तार का क्षेत्र हुआ है उसमें भी हम इसको लेकर देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।